नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही है ना? जी हाँ, वही जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का रक्षक, दिल्ली का क्या क्या था वो। हम बार बार आपको अपनी खबरों में एक चीज बताते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता। इतिहास ये भी दर्ज होगा और आगे आने वाले टाइम में ये रिकॉर्ड बुक में रखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर जितने डिफॉर्मेशन के जो केस दर्ज हुए, ये भी इतिहास में किसी नेता पर नहीं हुए हो। मतलब आप समझिए, कुल मिलाकर झूठ का पुलिंदा है, आम आदमी पार्टी बोले तो झूठ का पुलिंदा। ये इतने ढीठ और इतने झूठे लोग हैं कि आप समझिए कि इनके मुकाबले का झूठा आदमी कहीं पर भी नहीं हो सकता। सारे साइको, झूठे, बेईमान, मक्कार, चोर, लुटेरे, मतलब कमाल की उपाधियां हैं इनके लिए। हम आपको बार बार ये बात बताते रहे, लेकिन आज एक बार फिर से हाई कोर्ट में एक ऐसे ही मामले में तगड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेनो को। ये दोनों मिलकर इतना जबरदस्त झूठ बोले थे। देखिए, संजय सिंह के साथ भी है, अभी जेल जाते जाते भी बचे हैं। गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के खिलाफ है। ओपी शर्मा से इन्होंने माफी मांगी थी, अरुण जेटली से माफी मांगी थी, विजेंद्र गुप्ता से माफी। मतलब आप समझिए, आप सोच लीजिए कि कितने बड़ा झूठा है। और हम यही बात आपको बार बार बताते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मतलब झूठ का पुलिंदा। ये सभी लोग मिलकर ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं, आप सोच नहीं पाएंगे बॉस। देखिए, आज सीएम केजरीवाल और आतिशी को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है, कीचड़ उछालने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती लोकतंत्र के अंदर। कीचड़ उछालने की, आप समझिए, कीचड़ उछा कौन उछालता है? जो कीचड़ में रहता है, कीचड़ जैसा होता है, वही कीचड़ उछालता है, कीचड़ से लिपटा होता है। हम आपको यही बात बार बार बताते रहे, आज हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। खारिज कराने गए थे दोनों के दोनों मिलकर, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है और ये मामला चलाने योग्य है, क्योंकि किसी भी राजनेता को लोकतंत्र के अंदर जस्टिस मेहंदी दत्ता ने ये कहा है कि आप बारन बेंच के जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी दत्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता को सच और सही सूचना जानने का अधिकार है। सच और सही सूचना जानने का अधिकार है, लेकिन कुछ नेताओं को कीचड़ उछालने की, चुनावी वादों के मामले में कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जस्टिस ने, बारन बेंच के जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी दत्ता ने अपने फैसले में कहा है, और इन दोनों को फटकार लगाते हुए इस मामले को रिजेक्ट करने से मना कर दिया है। यानी कि मामला हाई कोर्ट में अब ये चलेगा और इसमें अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर जो बंद है, चोर लुटेरा, और आतिशी मार्लेनो जो झूठी है, ये फंस गए हैं बुरी तरीके से। अब हम आपको इसको पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि ये सारा मामला हुआ क्या था। दरअसल ये दिसंबर 2018 का ये मामला है और इसमें इन्होंने क्या कहा, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। इसमें जो है, राजीव बब्बर ने आरोप लगाया था। दरअसल 2018 में आप नेताओं, यानी कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेनो, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार, इन नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बीजेपी नेताओं ने बनिया मुस्लिम को इन्होंने मुख्य
उसमें दायरे में रखा और कहा कि बनिया मुस्लिम और पूर्वांचल के करीब 30 लाख लोगों के नाम, बनिया मुस्लिम और पूर्वांचल के रहने वाले जो लोग हैं उनके करीब 30 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग को भेजकर लिस्ट से कटवा दिए हैं और चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। 30 लाख नाम काट दिए हैं, 30 लाख लोगों का जो चुनाव आयोग की जो सूची थी उसमें से बनिया मुस्लिम और पूर्वांचल के रहने वाले के लोगों के 30 लाख लोगों के नाम सूची से कटवा दिए चुनाव आयोग की। ये झूठ बोला था अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लिनो, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप समझिए कितना बुरा मैसेज गया होगा दिल्ली के अंदर। ये जो चुनाव जीतने की बार बार बात करते हैं ना, ये चुनाव ऐसे छल खपट करके ये लोगों को गुमराह किया करते थे तब जीते, अब नहीं जीतेंगे। अब तो सूपड़ा साफ है इनका, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो मर्जी कर ले, मनीष सिसोदिया चोर कुछ भी कर ले, ये जीतेंगे नहीं। ये दावा है, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है इस बात का। अब हम आपको बताते हैं इसके आगे। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश में नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेनो पर एक केस दायर किया मानहानि का। और राजीव बब्बर ने आरोप लगाया कि 2018 में आप नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, इस छवि के चलते भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी मानहानि हुई है। इसी बात को लेकर राजीव बब्बर ने इन पे केस दर्ज किया। अब ये केस चल रहा था, अब ये केस चलते चलते क्योंकि फैसला हुआ उसमें तो ये हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलिनो जाकर कहते हैं जी ये केस गलत है, इसको खारिज कर दिया जाए। तो आज बारन बेंच के जस्टिस अनूप कुमार मैनीरत्ता ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ये केस खारिज नहीं होगा, आपने झूठ बोला है, आप बार बार कीचड़ उछालते हैं लोगों पर, पार्टियों पर, और चुनाव जीतने के लिए इसी तरीके के चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र में जनता को सच और सही सूचना जानने का अधिकार है, लेकिन कुछ नेताओं की ओर से चुनावी फायदे के चलते इस तरीके का कीचड़ जो उछालते हैं वो कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लिहाजा ये केस एजोन होगा, चलेगा, और इसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी मैडम फंस चुकी है। अब आप देख लीजिए, हम बार बार देखिए, हम ऐसा ही नहीं इस बात को बोलते हैं, बार बार हम अपनी ज्यादातर वीडियो में आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है, हर बात में झूठ बोलते हैं, एक भी सच। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, केजरीवाल जहां चाहे वहां डिबेट कर ले बुला के मुझसे, जब छूट जाए जेल से तब की बात बता रहा हूं। एक भी बात सच करके दिखा दे कि अरविंद केजरीवाल ने ये काम सचमुच किया है, ये बात सच थी, एक भी आरोप अगर वो सच करके बता देगा तो मैं उसी दिन जो चाहे वो, क्योंकि ये झूठे और मक्कारों की पार्टी इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बाद शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हमारे प्रेस क्लब में लेके आते थे गुरु चेले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, एक में किसी में FIR तक नहीं करवा पाया। शरद पवार जिसकी गोदी में अभी जाकर बैठ रहे थे ये लोग, बाद में मैडम CM भी मुलाकात करके आई है शरद पवार से, उस आदमी को लुटेरा चोर बताते थे ये, लेकिन आज उसी से राहुल गांधी सोनिया गांधी को तो डंडे लगवाने की बात करते थे कि ED डंडे मारे अभी बता देंगे, वो उससे भी गले मिल लिए, उसे बीमारी लगा दी राहुल गांधी को झूठ बोलने की और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की। भाई साहब, इन लोगों से ज्यादा झूठा मक्कार चोर लुटेरा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। और ये इनके लिए जो एक सटीक लाइन जो इनका नाम है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को जरूर
इस्तेमाल करना चाहिए, इस टैगलाइन इसे बनाना चाहिए जिसका नाम है चोर मचाए शोर। दरअसल ये चोर मचाए शोर हैं, मतलब ये चोरी भी करते हैं, चोर भी हैं और फिर शोर भी मचाते हैं। ये वो वाले चोर हैं, इनके लिए एक ही टैगलाइन है, चोर मचाए शोर। सचमुच जबरदस्त ब्लास्ट कमाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है, आप समझिए, झूठ का पुलिंदा, चोर मचाए शोर। अब ये फंस गए हाई कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने, जो जस्टिस है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपने जिस तरीके की हरकतें आप करते हैं, आपके खिलाफ केस चलेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।